हेलो माय फ्रेंड्स, आज 5 मई को जो है मैथ का बेसिक पेपर हुआ था और ये देखिए बिल्कुल जो ऐसा बताया था वैसे ही सटीक पेपर आया। 40 मार्क्स का है, सेक्शन है, पहले में एपी में पूछा है, फर्स्ट टर्म है, डिटरमाइन करिए 36 टर्म, फिर नेक्स्ट 2 टर्म बताइए, इसमें आंसर आएगा 6√3 एंड या √108, फिर 3 मेजर सेंट्रल टेंडेंसी एम्पेरिकल फार्मूला से यूज़ करना है, बहुत ही इजी। उसके बाद देखिए मोडल्स एंड मीडियन क्लासेस में बतानी थी, एंड इधर देखिए सॉलिड शेप ऑफ कॉन, एक सॉलिड है जो कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, मतलब दो शेप हैं आपस में मिक्स हैं, वॉल्यूम प्लस करना था, फाइंड वॉल्यूम सॉलिड हेमिस्फीयर, डिस्टेंस ऑफ टू टेंजेंट पैरेलल है तो सर्किल के बीच में रेडियस बताइए, 13.5 7 6.5, यहाँ ए की वैल्यू बतानी है, अगर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac = 0 डिस्क्रिमिनेशन से, एंड यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन का अगेन क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर है, 4:5 में डिवाइड है, इधर फर्स्ट है तो ये मिडिल टर्म बताइए, एंड देखिए 2 पोल्स की हाइट है, कनेक्टेड वायर हैं, इंक्लाइंड 30° का एंगल है, अगेन देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू दे रखी है एंड पी की वैल्यू पूछी है, एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज ट्वाइस दिस दिस, ये अगेन क्वाड्रिलेटर का क्वेश्चन, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रेट सर्कमफेरेंसेस सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल, इस तरह से क्वेश्चन आए हैं, अगेन सर्कल से क्वेश्चन है ये, एंड ये देखिए फिर से ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन से क्वेश्चंस, केस स्टडी देखिए इतनी लंबी चौड़ी केस स्टडी लिखी है इलेक्ट्रिक बस, लेकिन सीधा टेबल बना के सीधा मीडियन और मीन पूछ लिया उसने बस, और इधर देखिए अगेन एक और कंपनी डील करते हैं, देखिए यहाँ फिगर है और ये देखिए एक फिगर बनी हुई है, मॉडलिंग टेबल है और इसमें सीधा सीधा इसने पूछ लिया फाइंड वॉल्यूम 50 टॉयज, टोटल कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस करके 50 से मल्टीप्लाई और उसके बाद रेशियो बता दीजिए वॉल्यूम का। तो ये था बहुत ही ईजी पेपर, अगर सर इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आगे आप और भी ऐसे पेपर देख सकें, अभी स्टैंडर्ड का पेपर भी आपको दिखाएंगे मैथ का। धन्यवाद।